ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। I'm feeling very blessed to have a sister like you. Hello guys, welcome back to my channel. लनमा उठा। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। अभी अभी सो के उठी हूँ और अभी बज गए हैं सुबह के 5 बजे। हेलो, आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, क्योंकि आज है क्या 26 जनवरी और मेरी बहन करने जा रही है परेड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उसका ब्लॉग। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो। भाई टाई बना रहा है अपनी दीदी के लिए। वैसे तो सुबह सुबह उठता नहीं, पता नहीं आज कैसे उठिए। पहले पता था आज इसका। आज हम तैयार करते हैं बाल जल्दी से, दो साइड से करेंगे। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर लाइक यू। ओह ये देखो कैसे छोटे बना लिए मैंने इसके चेहरे पे। थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने वाले क्योंकि पूरा दिन खड़े रहने वाली है उस पर फील में, तो मैंने चाहती कि काला हो जाए। पहले मुंडक सुना था कि नहीं मुंडक थे नहीं मुंडक ही का मुंडक है अलग अलग मुंडक है पूरा अलग। उसको लगा लो अच्छे से। लिप्स पे थोड़ा सा लगा दिया है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे। ये रही मेरी बहन। वाह, लुकिंग वेरी प्रिटी। 500 ज्यादा पैसे नहीं है, 50 रुपए लूंगा। देने दो, मैं 100 रुपए। चलो चला खुश। तो मेरे पास जॉब वगैरह नहीं है, पैसे भी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ 50 रुपए दिए। जब हो जाएगा, जब होगा तब 1000-1000 रुपए दूंगी। अभी हम जा रहे हैं इसको ड्रॉप करने के लिए और थोड़े देर बाद मैं खुद तैयार होके जाऊंगी इसका मार्च प्रस वो करने के लिए, क्या कहते हैं, शूट करने के लिए। तो बने रहना आज के ब्लॉग में। हाँ जी, बस आ गई एंड आई कैन फील माई हैंड, कैन यू सी इट्स वेरी रेड। तो अभी मैं भी थोड़ा घर का काम वाम वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद खुद तैयार हो जाती हूँ और जाऊँगी ग्राउंड। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। मैं भी तैयार हो गई हूँ पूरा और तैयार होके जा रही हूँ अपने बहन का ब्लॉग बनाने। और मैं हर किसी को ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपको आपकी आपकी जो बहन होती है उसको, या आपके भाई को, या फैमिली में कोई भी जो आपसे छोटे होते हैं ना, उनको जब आपकी ज़रूरत होती है या वो लोग सोचते हैं कि आप लोग उसके लिए वहाँ रहे, तो प्लीज़ आप लोग रहो जितना भी बिजी हो थोड़ा टाइम निकाल के। आई रियली अंडरस्टैंड एज अ पीपल की क्या करते, जॉब नहीं करते हैं ना, छुट्टी नहीं ले सकते, बिजनेस करते हैं, फिर भी थोड़ा सा समय जब स्पेशल डे होता है और किसी के लिए, तो आप प्लीज़ टाइम निकाल के जाओ वहाँ पे। ओके, माय गॉड, मुझे इतना बुरा लग रहा है मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई। अभी तो सब जा रहे हैं यहाँ से। एक्चुअली ना मुझे टाइम का पता नहीं था, अभी बजे 10। लेट मी सी अगर मैं अपने बहन को ढूंढ पाती हूँ कहीं होगी तो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार, ढूंढ रही हूँ मैं अपने बहन को, कहाँ होगी। आई मीन आप वो तो बोल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चल जाएगी, चली ना गई हो, एक बार मिल जाओ बता दो उसको, मैं लेट हो गई। सारा जगह ढूंढ लिया,
अब इतना बड़ा ग्राउंड है वो मुझे मिली नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगले साल। अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपने एक भाई का। वो जो भाई है मेरा बहुत प्यारा भाई है, सके भाई से भी ज़्यादा प्यारा भाई है वो मेरा। और काफ़ी दिन हो गए हैं, दिन क्या साल हो गए, 2 साल हो गए मैं उससे नहीं मिली हूँ। तो वो स्पेशली वो एक्चुअली बिलोंग करता है जिया से, मगर वो गया था तंबू। तो मैंने उसको बोला अगर आज फ्री हो तो आज हम घूमने चले जाते, कुछ खा पी लेंगे। तो अभी थोड़ी देर में उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पहुँचने वाला है, तो मैं यहाँ उसका वेट कर रही हूँ और जब वो यहाँ आ जाएगा तो हम जहाँ चलेंगे खाने पीने। ये रहा मेरा प्यारा भाई। से आई टू माई ब्लॉग, देखो इसने क्या बाइक खरीद रखा है। मैं कैसे बैठूंगी यहाँ, ऊपर से इतनी मोटी हूँ। हेलो, कासवे हिमंग मोमो खाएगा ये, क्योंकि हमारा शेरी काजी बहुत छोटा है, वो खाएगा मोमो और मैं खाऊंगी क्या कहते हैं टुक्फा। और हमारा जो भाई है, हेलो, तुम नहीं खाओगे ना? मैं इसको देखभाल करूंगी करूंगी ओह माय गॉड, पूरा परेशान कर रहा है ये भैया को। एक्चुअली वेट कर रहे हैं यांगा का, क्योंकि वो गई है अपने माइस पे, तो उसी का वेट कर रहे हैं हम। अब रेस्टोरेंट में जाके तुप्पा वगैरह भी खा लिया, अब खाने के बाद थोड़ी ना रेस्टोरेंट में हम बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे आए हम जनरल थीम में, दोबारा यहाँ पे बैठ रहे हैं। बहुत दुख है, मेरी बहन नहीं मिली, पता नहीं घर चली गई होगी, शाम को जाके बात करें। मतलब सौरभ तीन चार बार पूरा फील, हम सो रही थे इतना जल्दी जल्दी आया था वो करके। हाँ, मैं को पूरा ढूंढ रहा था भीड़ का बीच में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ना। वो तो ये ब्लॉग बनाने नहीं आ पाए, इसके लिए मैं कोको कोला लेके आई हूँ यहाँ दीदी। बट मुझे पता नहीं चला ये घर के अंदर घुसा कैसे ये छत से कूद के आया घर के अंदर